टारगेट डायलॉग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार है आप सभी लोगों को। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं कुछ ईमानदार चर्चा करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। आज पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है, मेरा मन किया कि मैं आपसे कुछ रूबरू हूं और कुछ बातें साझा करूं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा लोअर पीसीएस का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी कोई परीक्षा डेट नहीं है। ठीक है, संभावित है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी। क्लियर। तो आज का मेरा ये जो है छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है ना, और नौकरी जो है अगर मिल जाए, क्योंकि आज अगर हम लोग देखें तो हमारे माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक नौकरी मिल जाए, है ना। आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपको एक नौकरी मिल जाए, और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। संभावित है कि परीक्षा अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो जाएगी। इसी परीक्षा को लेके एक उचित रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और उसके लिए जो मुख्य किताबें हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, इन्हीं दोनों बातों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के दो भाग हैं। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि सटीक रणनीति आपकी पढ़ाई लिखाई की क्या होनी चाहिए 5 से 7 मिनट में, और दूसरे भाग में फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी किताबें हैं कि अगर आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, आप अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कौन सी ईमानदारी से वो किताबें हो सकती हैं जिनको पढ़ के आप सफल हो सकते हैं इन 45 दिनों में, या 40 से 45 दिनों की आपकी एक जो रूपरेखा होती है वो पढ़ाई की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। हम सबका सपना है कि हम सरकारी नौकरी पाए, है ना। आप सबका सपना है कि आप सरकारी नौकरी पाए, इसीलिए आप शहरों में अलग अलग शहरों में अलग अलग बाहर हैं। कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इसके बाद जो है समय और पैसे बचा के तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे शहरों से ही तैयारी कर रहे हैं जिनका बाहर आना संभव नहीं था। हम लोग स्वयं दृश्य माध्यमों से उनके पास पहुंच गए, तकनीकी की सहायता से उनके साथ पास पहुंच गए, तो उनके लिए भी तैयारी करना सफल हुआ। आप सभी लोगों से आज मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक अच्छी रणनीति लास्ट समय में आपकी क्या होगी, जबकि परीक्षा के बहुत कम समय बचे हैं, तो हम ईमानदारी से ऐसे कौन से प्रयास करें कि हम परीक्षा में पास हो सकें। मैं एक बात से आपसे वादा दिलाना चाहता हूं कि 40 से 45 दिन लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त है। अगर कोई आज भी सोच ले कि उसको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप आज से ही तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस रणनीति पर हम लोग बात करते हैं। आइए, तो पहले भाग में रणनीति और दूसरे भाग में किताबें, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर हम 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है हम 15 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग तो ये तक कह देते कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं। हम अपनी क्रैनियल कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखें तो वास्तव में अगर हम 5 से 6 घंटे भी साउंड स्टडी करते हैं तो हमारी पढ़ाई बहुत है। 5 से 6 घंटे की साउंड स्टडी का मतलब है एक स्वस्थ पढ़ाई हम वर्क करते हैं 5 से 6 घंटे, तो भी हमारा जो है तैयारी पर्याप्त है। 5 से 6 घंटे से ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सिटिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, और उसकी जो है ग्रहण करने की क्षमता या सीखने की क्षमता, लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 से 6 घंटे पर्याप्त हैं अगर आप 45 डेज 45 दिन 5 से 6 घंटे की कैपेसिटी के साथ डेली रूटीन में पढ़ाई करते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे आपकी सफलता की दर ज्यादा हो जाएगी और आप सफल होने के ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम एवरेज देखें अपने हाइपोथैलेमस का, तो हमारी क्रैनियल कैपेसिटी के हिसाब से 5 से 6 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता, भले हम किताब लेके बहुत सारी देर बैठे रहे। देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है केवल हमें प्राप्त करने के लिए है। और माता पिता ने जब आपको बाहर भेजा है तो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आपको दिया है, वो आप ही उनकी सेविंग्स है और आप ही उनका इन्वेस्टमेंट है। इस प्रक्रिया में अगर हम 45 दिन ईमानदारी से पढ़ें, जब हमारे घर से फोन आता है तो हम ये तो कहते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम पढ़ाई नहीं करते। आप अफसोस तब कर सकते हैं जब आपने खूब सारी पढ़ाई की हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन आप तब कभी भी अफसोस नहीं कर सकते जब आपने पढ़ाई ही नहीं की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? सिलेक्शन हमेशा उन लोगों का होगा जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है, वो सफल होंगे। अगर आप केवल कहते रहे घर पर कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और आप अपने उसने जज्बे से उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर इन 45 दिनों में अगर आज से ही आपने दृढ़ संकल्प या और आप डेली
अगर 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, लास्ट समय में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है, मैं बताने वाला हूं, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप लास्ट समय में पढ़ते हैं तो हम, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 से 6 घंटे की डेली जो है पढ़ाई आपकी क्या है, सफलता तक आपको ले जाएगी। अगर हम लोअर पीसीएस के देखें तो लोअर पीसीएस के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अगर हम कैलकुलेटिव हिस्सा देखें तो इसमें मैथ्स है, इससे में रीजनिंग है और हिंदी है। ये 3 ऐसे विषय हैं जो आप प्रैक्टिस बेस्ड विषय हैं, क्लियर। आपको अगर हम देखें तो लोअर पीसीएस के लिए मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग अगर यूपी ट्रिपल एससी के आप सभी पेपर्स को देखें तो मैथ्स के जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन टेक्निकल ज्यादा नहीं है, बल्कि ऐसे हैं कि आप उन सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस से चेक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी गंभीरता से अच्छी तैयारी करें, आप मार्केट से कोई अच्छा कंटेंट उठा लें, मैं अभी किताबों के नाम बताऊंगा, अगर मार्केट से आप कोई अच्छा कंटेंट उठा लें, और अब ऐसा ना हो कि आप तैयारी यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं और कंटेंट की प्रैक्टिस आप सीजीएल के पेपर से कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको सही दिशा में जाने की जरूरत है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के जो पुराने पेपर हुए हैं, जैसे आपका मंडी पर्षद हुआ है, जैसे आपका वीडियो का एग्जाम हुआ है, जैसे आपका अग्निशमन अधिकारी का एग्जाम हुआ है, ये जितने भी एग्जाम आपके इससे पहले यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी ने लिए है, उनमें आप देखिए गणित की प्रवृत्ति क्या है, और वो गणित की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो कैलकुलेटिव और टेक्निकल नहीं है, वो लॉजिकल है, जिसमें प्रश्न ऑप्शन से जुड़े हुए हैं और ऑप्शन प्रश्न से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन से ही प्रश्नों को चेक कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी के साथ हम गणित में पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। जहां तक की रीजनिंग की बात है, रीजनिंग के टॉपिक निश्चित है, मैं लगातार रीजनिंग में आपसे बात करता रहता हूं, क्योंकि सभी विषयों के तालमेल से बना एकमात्र ऐसा भाग है जहां पर 100% प्रश्नों को हल किया जा सकता है और पूरे में से पूरे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं हम लोग लगातार बता भी रहे हैं, सॉरी, और अलग अलग समय में वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता भी रहा हूं कि रीजनिंग में क्या है। हिंदी की भी विषय वस्तु निश्चित है। ये 3 सॉफ्ट कॉर्नर हैं आपके, जहां पे आप पूरे में से पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है आपका जीएस। क्या होता है बताइए? जीएस। अब जीएस में यहां पर हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी, हिस्ट्री और अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, तो जीएस इतना बड़ा जीएस है, इसमें पेपर पैटर्न के हिसाब से हमें देखना है कि हमें क्या सीखना है, और उससे ज्यादा हमें देखना है क्या नहीं सीखना है। क्योंकि अगर हम 45 दिन में इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर ये पूरा सिलेबस हम 100% मान लें, तो क्या सीखना है इसका ये भाग 30% है आपके यूपी ट्रिपल एससी का। अगर हम इसको देख लिए तो हम ये आराम से तय कर सकते हैं कि हमें क्या नहीं सीखना है। इसका मतलब ये 70% जो आपका सिलेबस है इसको आप पढ़ने से बच सकते हैं। अगर बच गए और आपका पूरा फोकस इस 30% पर रहा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये क्या प्रक्रिया है मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे 480 पेज की किताब थी कुमार मित्तल की फिजिक्स की इंटरमीडिएट में। जब आपने जनवरी में बोर्ड पेपर आने से पहले तैयारी करना शुरू किया तो आप इन 480 पेजेस को कैसे पढ़े थे आपको भी अच्छे से मालूम है और हमें भी अच्छे से मालूम है। लेकिन जब जनवरी आई तो आप बाजार से एक मॉडल पेपर उठाते हैं, उस मॉडल पेपर ने इन 480 पेज को समराइज करके 70 पेज में कर दिया, क्लियर। आप और बुद्धिमान निकले, आपने 70 पेज में भी इंपोर्टेंट देख लिया फरवरी में, और आपने 70 पेज में से भी 35 पेजेज को छोड़ दिया। इन 35 पेजेज को जब आपने छोड़ा और तो आपने पढ़ा कितना, 35 पेजेज को पढ़ा। इन 35 पेजेज को पढ़ने के बाद आप 65% और 70% नंबर गेन किए हैं। ये क्या था? ये आपकी एक क्षमता थी। ये क्या था? आपकी एक क्षमता थी कि आपने पूरे सिलेबस में से उस हिस्से को निकाल लिया जो आपका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इसी क्षमता का परिचय आपको अभी देना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इस क्षमता नहीं है, आप बचपन से ही ये करते आए हैं।
आपके अंदर ये क्षमता है, लेकिन ये दृष्टिकोण हमारे अंदर कब विकसित होगा, जब इस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र इससे पहले आए हैं, इस परीक्षा के जो प्रश्न इससे पहले आए हैं उनकी प्रवृत्ति क्या रही है, अगर हम इसको गहराई से उन पेपर्स को उठा के देखें, पुराने पेपर्स को उठा के देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही है, राजनीतिक मैटर नहीं पूछा जा रहा है, युद्धों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, एंशियंट से यूपी ट्रिपल एससी कहां से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको पता चलेगा सिंधु से प्रश्न आ रहा है, आईबीसी से, वैदिक से प्रश्न आ रहा है, मौर्य से प्रश्न आ रहा है, गुप्त से प्रश्न आ रहा है, इसके बाद दक्षिण भारत में चोल चालुक्य से प्रश्न आ रहा है, और फिर आर्ट एंड कल्चर से मिडिलवेल की प्रश्न आ रहा है और मॉडर्न से प्रश्न आ रहा है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को इतना सिलेक्टिव कर लें तो जो हिस्ट्री का सबसे लेंदी सिलेबस है उस हिस्ट्री को हम 12 से 15 दिनों में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल ये सोचते रहें, हम ये सोचते रहें कि नहीं हमको पढ़ना है और हम ये देखते रहें कि इतना है, तो सोचने वाले सोचते रहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। आप युवा हैं और युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु को कोई रोक नहीं सकता, युवा का उल्टा होता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसे ही अगर पॉलिटी में सिलेक्टिव हो जाएं, साइंस में अगर हम लोग देखें तो लाइफ साइंस से सबसे ज्यादा अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 8 प्रश्न उसमें लाइफ साइंस से आते हैं। हम पुराने प्रश्न पत्रों का सहारा लेके अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। यहां पर आपको 2020 खेलने की जरूरत है। आप देखिए आईएएस की परीक्षा में 35% लाने वाला व्यक्ति फाइनली सिलेक्ट हो जाता है। अगर उसने पूरा 100% सिलेबस पढ़ा होता तो 90% लाने वाला व्यक्ति फाइनली सिलेक्ट होता, लेकिन जो 35 से 40% टोटल आता है इंटरव्यू के बाद, वो व्यक्ति आईएएस टॉप पर जाता है ऑल इंडिया। इसका मतलब है उस व्यक्ति ने अपने 40% सिलेबस को ही 100% मान के पढ़ा है, तभी 40% अंक लाने वाला व्यक्ति क्या हो गया, सफल हो गया। कभी कोई व्यक्ति ना तो पूरा सिलेबस पढ़ता है ना पूरा सिलेबस खत्म करता है। जब आप इंटरमीडिएट की परीक्षा या कोई भी ग्रेजुएशन की परीक्षा देने गए थे तो आपने ये नहीं कहा था कि हमने 100% पढ़ लिया और हम सफल हो गए, नहीं, आपने कहा था इस दिन तक हमें जो महत्वपूर्ण लगा हमने वो पढ़ लिया और आपने गैस करके पेपर दिया, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए या हो रहे हैं, आपने बोर्ड पास कर ली। लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा था कि हम क्या हो गए 100%। कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा के सिलेबस को कभी भी समाप्त नहीं करता, बल्कि वो अंतिम दिन तक अपनी पूरी तैयारी करता है जो उसको लगता है कि वो उसकी सफलता के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो हमें यह देखना है कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को खपाना पड़ेगा। मार्केट से मैं कुछ किताबें बता रहा हूं, उन किताबों को लाइए, उनमें एक गहन दृष्टिकोण अपना बनाइए, और उस दृष्टिकोण को बनाने के बाद आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि हमें चीजों को कैसे क्या करना है, फिल्टर करना है। गौर करिए, एक जो व्यक्ति होता है, एक 18 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है। आपके पास कई ऐसे उदाहरण है, क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज टाइम के साथ थी और उसने अपने सिलेबस का गहन अध्ययन किया, ये कंप्लीट पढ़ते रहे, ये विषय विशेषज्ञ तो हो गए लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक कंप्लीटर देखिए तुरंत सफल हो जाता है। एक ऐसा युवा जो आपसे बाद में इलाहाबाद आया था, आपसे बाद में गाजियाबाद आया था, आपसे बाद में लखनऊ आया था, लेकिन वो क्या हो गया बताइए, सफल हो गया, आपसे पहले सफल हो गया, क्योंकि उसकी जो रणनीति थी वो बहुत सटीक थी। कैसे कैसे आप सटीक विश्लेषण कर पाएंगे, उनके लिए किताबें कौन सी हैं, मैं आपको बता दूं। अगर मैं किताबों की बात करूं तो देखिए, गणित, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों के लिए सबसे पहले जो किताब आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए घटना चक्र। घटना चक्र का एक जो पूर्वावलोकन आता है, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन या व्याख्या सहित, सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए। ये आपकी दिशा और दशा तय करेगा, दिशा और दशा तय करेगा कि कौन सी दिशा और दशा में हम बढ़ें। क्लियर?
कि हम जो है क्या करें, इसको सफल कर लें। ये प्रश्नों की प्रवृत्ति बताएगा, प्रश्नों की बारंबारता बताएगा। तो पहली जो अनिवार्य किताब है वो आपके पास होनी चाहिए, कौन सी बताइए? घटना चक्र। घटना चक्र ही आपको ये बताएगा वास्तव में कि क्या कर सकते हैं। अब जैसे गणित के लिए कोई मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल बुक लेनी है, तो मैं बहुत अच्छी बुक आपको रिकमेंड करता हूं, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी गणित में एक जाना माना नाम है, ठीक है। और इनकी किताबें काफी बिक रही हैं, काफी लोग पढ़ते हैं। श्रेयाप्ता पब्लिकेशन से इनकी किताब आती है। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर की किताब क्या है? सरलतम प्रवृत्ति की किताब है। एक सरलतम प्रवृत्ति की किताब है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की किताब। आप इससे अंक गणित पढ़ेंगे तो आप उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसे किताबों की भरमार है, प्रश्नों की भरमार तो हर किताब में है, आर एस अग्रवाल में भी है, लेकिन परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप इनकी गणित की किताब ले सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्लियर। इसके अलावा अगर आपको और किताब देखनी है तो आप आर एस अग्रवाल की किताब SSC CGL फोकस्ड ज्यादा है। अगर आप घटना चक्र के साथ एक आध किताब ले लेते हैं तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा, क्लियर। रीजनिंग की किताब, रीजनिंग में चूंकि मेरी खुद किताब आती है इसलिए आप इस किताब को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घटना चक्र की ही किताब को देख ले तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी में एक किताब आती है डॉक्टर वसुदेवानंद, क्लियर, और एक किताब आती है हरदेव वाहिरी। इनमें से दो किताब की जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप उस किताब ले लें, लेकिन मैं इन दोनों किताबों के साथ, चूंकि इसमें इतना सिलेबस है कि UP SSSC के सिलेबस से भी ज्यादा सिलेबस इसमें है, तो आप इसके जगह एक काम कर सकते हैं कि एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब आती है, आदित्य पब्लिकेशन, क्लियर, आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की किताब आती है। आदित्य पब्लिकेशन की अगर आप हिंदी की किताब को पढ़ते हैं, ये टेक्स्ट मैटर की एक किताब है आदित्य पब्लिकेशन, तो इसमें UP SSSC की सिलेक्टेड स्टडीज से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, यहां पे आप इन टॉपिक्स को देख रहे थे। तो गणित में डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की किताब ले सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको एक क्विकर मैथ जो किताब आती है, आप क्विकर मैथ किताब भी ले सकते हैं, क्विकर मैथ से, लेकिन मैं कहूंगा कि ये किताब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पड़ेगी। आप रीजनिंग में मेरी किताब देख सकते हैं और जो है जो आपको अच्छी किताबें लगे उनको देख सकते हैं। हिंदी में डॉक्टर वसुदेवानंद, हाँ इस किताब के साथ यह है कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरी किताब, इसलिए मैं बहुत प्रशंसा नहीं करूंगा उस किताब की, आप स्वयं देख के आकलन करिए। हिंदी में ये जो दो किताबें हैं मानक किताबें हैं हिंदी की किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन हमें दिक्कत यह होती है कि किताबों में इतना लेंदी या ज्यादा मैटर है कि हम कैसे इन किताबों से इस मैटर को छांटें। अगर 200-300 पेज की किताब है तो हमारे लिए UP SSSC के काम की कौन सी विषय वस्तु है हम इसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आदित्य पब्लिकेशन एक शॉर्ट में ऐसी किताब है जहां पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चले तो फिर आता है आपका GS। GS में मैं एक ही किताब आपको रिकमेंड करूंगा जो TMH पब्लिकेशन की ग्रीन कवर पेज की किताब है, सामान्य ज्ञान मंजूषा, क्लियर। सामान्य ज्ञान मंजूषा आप ले लीजिए और आप पूरे GS का एक घटना चक्र ले लीजिए। अगर आप इन दोनों किताबों को ले लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका काम हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप स्वाध्याय करते हैं UP SSSC की किसी भी परीक्षा के लिए, मैं आपको लोअर की बात कर रहा हूं, तो आप इन किताबों को ले लीजिए। ये किताबें हमेशा आपकी मदद करेंगी, ये यूनिक्स किताबें हैं आपके किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं। अब समस्या इसमें एक छोटी सी ये आती है यहां पर कि सर देखिए ये इतनी किताबें हैं, जैसे एक मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा घटना चक्र गणित, गणित की सुनील सर की किताब को अगर आप देखें, सुनील जी की किताब को, तो इस किताब में हम देखेंगे लगभग इस किताब में 600 पन्ने हैं, मेरी किताब 700 पन्ने की है रीजनिंग की, हिंदी की किताब लगभग 350 पन्ने की है और सामान्य ज्ञान मंजूषा लगभग 400 पन्ने की है। अगर हम इन सारे पृष्ठों की संख्या को जोड़ें, इसके अलावा फिर अगर हम घटना चक्र को भी देखें दोनों, तो GS के सारे घटना चक्र भी करीब 300 पेजेस के होंगे और ये सब भी करीब आपके घटना चक्र जो होंगे 200 से 250 पेजेस के होंगे। अगर हम टोटल पेजेस की संख्या को देखें तो कंटेंट हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें से ये घटना चक्र तय करेगा कि आपको पढ़ना इन 600 में से क्या है, इन 700 पेज में से क्या पढ़ना है, इन 300 पेज में से क्या पढ़ना है, इन 400 पेज में से क्या पढ़ना है। एक समय बनाइए
डेली का डेली कि हमें ये 4 घंटा दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हम इस 4 घंटे में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपको पढ़ाई लिखाई में कभी डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वो पढ़ने लिखने के लिए आपको प्रेरित करता है, वही आपका सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कभी भी बाबू वो नहीं होता जो रोज आके आपको डिस्टर्ब करे, चाय पीने ले जाए और आपका समय क्या करे, खराब करे। ठीक है, तो सच्चे मित्रों को पहचानिए, अच्छा ग्रुप बनाइए, अच्छी ग्रुप स्टडीज करिए। ग्रुप स्टडीज में आपके ग्रुप में भी एक परीक्षा का माहौल हो। 45 दिन के लिए सारी चीजों को भूल के फेसबुक व्हाट्सएप से दूर हो जाइए, और फेसबुक व्हाट्सएप से अगर दूर होके इस घटना चक्र के हिसाब से अगर आप सटीक विश्लेषण कर लेते हैं, तो ये सटीक विश्लेषण मैं गारंटी ले रहा हूं, ये सटीक विश्लेषण 45 दिन में बिना किसी कोचिंग संस्था के आपको 100% सिलेक्ट करा देगा। क्योंकि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो इसी तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, 45 से 50 दिन के बाद आप 45 से 50 दिन से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है एकदम। अगर आप एक सटीक विश्लेषण इस घटना चक्र को देख के, इस घटना चक्र को और इस घटना चक्र को देख के इन किताबों का कर सकते हैं, गणित की किताब, रीजनिंग की किताब और जो है हिंदी की किताब और सामान्य ज्ञान मंजूषा, तो हम ये कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने की बात होती है, हम किताबों से गणित हिंदी और अंग्रेजी, हम गणित हिंदी और रीजनिंग को कितना किताबों से समझ सकते हैं, क्या हमें किसी मेंटर की जरूरत है? मेंटर क्यों जरूरी होता है? कि हम किसी चीज को आपको समझा दें और वो चीज आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो किसी टॉपिक जिसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी कठिन हो, उस टॉपिक की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, वो टॉपिक दृश्य माध्यम से हमें समझ में आ जाता है। और यहीं पर आपका मेंटर सपोर्टिव होता है कि किताब में जो मैथ लिखी है उसको आसान तरीके से उसने समझा दिया, किताब में जो रीजनिंग लिखी है उसको भी उसने आसान तरीके से समझा दिया, किताब में जो हिंदी लिखी है उसको भी उसने आसान तरीके से समझा दिया और आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने। जैसे आज मैं लोअर पीसीएस क्रैश कोर्स में जब पहली क्लास लेने गया तो मैंने सब छात्रों को बताया कि रीजनिंग के केवल 21 टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं वादा करता हूं रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इन 21 टॉपिक को मैं 20 दिन में उनको पूरा करा दूंगा। जब संदीप सर गए आज हमारे यहाँ लोअर पीसीएस के क्रैश कोर्स की पहली क्लास थी, तो उन्होंने भी कहा कि 20 से 22 दिन में तैयार, क्योंकि तैयारी का मोड अलग अलग है। आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं जो घर बैठ में के पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग भी धीरे धीरे लाइव आके या लाइव के माध्यम से जितना अनिवार्य और आवश्यक होता है, जितना आपको जरूरत होती है, हम लोग बारी बारी से आपको मिलते रहते हैं और आपसे बातें करते रहते हैं, हम लोग आपको सजेस्ट करते रहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आराम से आप जो है लास्ट रणनीति तक चले जा सकते हैं, यहां पे कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत भारी भरकम है सर, और हमारी क्षमता ये नहीं है कि हम 45 दिन में इसको कर सके, या हम इतना सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते, हमारे ऊपर किताबों का दबाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति आपके मन में आती है, तब आप जब स्वयं से करने में असमर्थ समझ रहे हैं अपने आप को कि हम सर इन 800 से 1000 से 2000 पन्नों का बोझ 45 दिन में नहीं उठा सकते, हम स्वयं से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, अगर इतना आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले तो आप ही से आग्रह कर रहा हूं कि आप स्वयं कर लीजिए, मैंने आपको किताबें भी बता दी और मैंने आपको तरीके भी बता दिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपको कोई दिक्कत है या आपके अंदर वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पा रही, आपको कोई घबराहट हो रही है, तो मैं फिर आपको ये बताता हूं, तब अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप हमारे इस नंबर पर 99 18 99 18 100 और 664 पर केवल एक व्हाट्सएप लिखकर के लिख दीजिए एंट्री। अभी भी लोअर पीसीएस बैच में कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से क्लासेस शुरू हुई है, केवल 6-7 क्लास आपकी छूटी है, आज भी अगर आप एंट्री लिख के भेज देंगे तो आज और कल में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एडमिशन को कन्वर्ट करा सकते हैं। 2 दिन की पढ़ाई में कुछ छूटा नहीं है, आज प्रातःकाल से हमारी क्लासेज क्या हो गई है बताइए, प्रारंभ हो गई हैं। इस नंबर पर आप एंट्री लिख के अपने लोअर पीसीएस बैच में एडमिशन क्या कर सकते हैं, कन्फर्म करा सकते हैं। क्लियर? तो बैच खुला हुआ है, आप आइए एडमिशन लीजिए। लेकिन मान लीजिए कल परसों नरसों के बाद एडमिशन लिया बाबू, तो बहुत निकल जाएगा, फिर 45 में से 39 ही दिन बचेंगे और इतना फास्ट ट्रैक जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो पहले तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप स्वयं तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, खूब जम के पढ़ें। अगर नहीं हो पा रहा है जो तरीके मैंने बताए,
तो फिर एक मिनट भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक मिनट भी कहीं देर लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत इस पर एंट्री लिख के भेज दीजिए, हमारी टीम आपको बताएगी आपको क्या करना है। क्लियर? तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि किसी भी सफलता के लिए सटीक रणनीति है ना, उस सटीक रणनीति के बाद फिर आपकी मेहनत, और उस आपकी मेहनत के बाद फिर जो है तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है वो सफलता। ये सफलता की कुंजी है। अब ये सटीक रणनीति के दो आधार हो सकते हैं, या तो सटीक रणनीति आप खुद से सेल्फ कर लें, मतलब स्वयं कर लें इसको, आप स्वयं बना लें सटीक रणनीति को, या आप टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप सबसे चाहूंगा कि उन किताबों के मार्गदर्शन को, उन किताबों को लेके पहले एक बार आप स्वयं से प्रयास करके देख लें, लेकिन स्वयं के प्रयासों में आप ज्यादा समय ना दें, क्योंकि अगर समय व्यर्थ हो गया तो एक बड़ी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है? तो ये देखिए, ये जो सटीक रणनीति है, खुद से भी बहुत लोग खुद से भी बना के सफल हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कोचिंग नहीं की है, आप स्वयं से भी कर सकते, कहीं कोई समस्या नहीं। व्यक्तियों ने किया है, जिनके अंदर जज्बा होता वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी मन में डर हो या थोड़ा भी डाउट हो तो फिर इस सटीक रणनीति के लाइए, या तो आप स्वयं से मेहनत करेंगे या आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या बताइए? सफलता। हमें अंततः लोअर पीसीएस में सफल होना है, यही हमारा भी उद्देश्य है, यही आपका भी उद्देश्य है। चाहे आप ऐसे आ जाएं और चाहे आप ऐसे आ जाएं, लेकिन हमारी पूरी टीम टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि हर हालत में हम क्या हों, बताइए, सफल हों। क्लियर? तो एक छोटा सा प्रयास था आपको जागरूक करने का, आपको बताने का। जब सिलेबस आएगा तो सिलेबस की एक पूरी रूपरेखा के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा, और कुछ चीजें बिंदुओं पर बात करूंगा, और जब डेट आएगी उसके पहले कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा। करंट में हमेशा आपको तैयार कराता रहता हूं, इसलिए करंट की चिंता मत करिएगा। आप एडमिशन लेंगे तो भी करंट हम आपको तैयार करेंगे, नहीं लेंगे तो चैनल के माध्यम से हम आपको तैयार करेंगे, करंट एकदम सटीक विश्लेषण के साथ मैं आपको तैयार कराऊंगा। ठीक है? तो ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो सुझाव कैसे लगे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।